या किसी खास एक्टिविटी के साथ होता है या ओकेजनल यानी कभी कभार होता है क्या इस कंडीशन की वजह से पेशेंट कोई एग्जिट मूवमेंट नहीं कर पाता कांस्टेंट कांस्टेंट पेन पेन को क्रॉनिक पेन भी कहा जाता है ये वो पेन होता है जिसकी वजह से आप कोई एग्जिट मूवमेंट नहीं कर पाते या आपको उस मूवमेंट के करने में परेशानी होती है कांस्टेंट पेन का रहना हमें ये बताता है कि बॉडी में कोई इरिटेशन है ट्यूमर है या कोई विजरल लीजन हुआ है कांस्टेंट पेन की इंटेंसिटी कम और ज्यादा होती रहती है लेकिन यह रहता हमेशा है अगर पीरियाडिक या ओकेजनल पेन है तो एग्जामिनर को चाहिए कि वो डिटरमाइन करे उस एक्टिविटी को पोजीशन को और पोस्चर को जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं क्योंकि इससे पता लग जाता है कि कौन से टिश्यू में फॉल्ट है पीरियाडिक और ओकेजनल पेन ज्यादातर मैकेनिकल पेन होता है और ये स्ट्रेस और मूवमेंट से रिलेटेड होता है अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इज द पेन एसोसिएटेड विद द रेस्ट एक्टिविटी सर्टन पोस्चर विजरल फंक्शन एंड टाइम ऑफ डे मतलब के पेशेंट को तब पेन होता है कि जब वो रेस्ट कर रहा हो या एक्टिविटी कर रहा हो या कोई वो एक खास पोस्चर मेंटेन करें या किसी विजरल फंक्शन की वजह से मतलब के जब वो सांस लेता हो तब उसको पेन होता है या दिन के किसी भी एक खास टाइम के दौरान उसे पेन होता है अगर एक्टिविटी के करने से पेन इंक्रीज होता है और रेस्ट करने से आराम आता है तो यह इंडिकेट करता है, कि ये एक पेन है। अगर मॉर्निंग में पेन और स्टिफनेस होती है और एक्टिविटी के करने से ये इम्प्रूव हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई क्रॉनिक इन्फ्लोमेशन या एडिमा प्रेजेंट है अगर पेन रेस्ट और एक्टिविटी से इफेक्ट नहीं होता तो ये इंडिकेट करता है कि ये बोन पेन है और आपको कोई आर्गेनिक या सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है जैसे कैंसर या आपके वज्रा में कोई डिजीज है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट टाइप आर क्वालिटी ऑफ पेन इज एक्सिबिटेड इसका मतलब ये है कि हम पता लगाएं कि पेशेंट को नर्व पेन है बोन पेन है वेस्कुलर पेन है या मसल पेन है और ये हम इस तरह से लगा सकते हैं नर्व पेन एक शार्प बर्निंग और रेडिएटिंग पेन होता है और अपने पूरे उस रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है बोन पेन डीप बोरिंग और लोकलाइज होता है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ रेफर्ट भी हो सकता है मसल पेन डल और इचिंग होता है और दूसरे एरियाज की तरफ रेफर्ट भी हो सकता है इसके अलावा न्यूरोपैथिक और सोमेटिक पेन न्यूरोपैथिक पेन ये वो पेन होता है जो किसी नर्व रूट के डैमेज होने से होता है जैसे डायबेटिक न्यूरोपैथी और शियाटिका

डल है एचिंग है शार्प है तो वो किस तरह से पेन होगा मतलब के नर्व पेन होगा या बोन पेन होगा या मसल पेन वगैरह वगैरह और पेन लोकेशन की अगर हम बात करें तो अगर नर्व रूट पर प्रेशर आता है तो इससे रेडिएटिंग पेन होगा अगर नर्व ट्रंक पे प्रेशर लगता है तो पेन तो नहीं होगा लेकिन पेरिस्थी और सेंसेशन लाइक पेन एंड नीडल्स फीलिंग्स आर टिंगलिंग नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डज अ लॉकिंग लॉकिंग अनलॉकिंग आर गिविंग वे का मतलब जब बॉडी में कोई भी एक ज्वाइंट फुली एक्सटेंड या फ्लेक्स ना हो और ये दो तरह का होता है ट्रू लॉकिंग एंड लॉकिंग ट्रू लॉकिंग जब ज्वाइंट के अंदर कोई कार्टिलेज या कोई बोनी स्पर्स ज्वाइंट की मूवमेंट को रोके और इसे मेनिपुलेशन के थ्रू ट्रीट किया जाता है लॉकिंग जब ज्वाइंट की मूवमेंट मसल स्पाजम की वजह से

फेंटिंग और ड्रॉप अटैक्स इसका मतलब यह है कि पेशेंट को स्पाइनल कार्ड कंप्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं आते या वो बेहोश तो नहीं होता और या वो जमीन पे तो नहीं गिरता क्या उसकी ब्लेडर फंक्शन नॉर्मल है क्या उसे बटक या सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर टाइम एबनॉर्मलेशन या वर्टिको तो नहीं आता इन सिम्टम्स से हमें न्यूरोजिकल कंडीशन का पता लगता है जैसे माइलोपैथी और ड्रॉप अटैक ये इंडिकेट करता है की ब्रेन में कोई न्यूरोजिकल कंडीशन है अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आर दियर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द लिम अगर वाइट और ब्रिटल स्किन है लॉस हुए हैं फुट और हैंड के नेल्स है तो ये सर्कुलेटरी प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं अगला क्वेश्चन द पेशेंट बीन एक्सपीरियंसिंग एनी लाइफ है इकोनॉमिक स्ट्रेसेस क्योंकि लाइफ और इकोनॉमिक स्ट्रेसेस आपके असेसमेंट और ट्रीटमेंट दोनों को इफेक्ट करती है डावोर्स का कोई इशू है मैरिटल प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जॉब की कोई स्ट्रेस है या इनसिक्योरिटी है इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से आपका पेन और सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज द पेशेंट हैव एनी क्रॉनिक और सीरियस सिस्टमैटिक इलनेस और एडवर्स सोशल हैबिट लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग दैट मे इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ पैथोलॉजी और द ट्रीटमेंट इसका मतलब यह है कि पेशेंट में ऐसा कोई सीरियस या क्रॉनिक सिस्टमैटिक इलनेस है या ऐसी कोई बुरी आदत जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग है

Are any other अगर पेशेंट कोई मेडिकेशन ले रहा है तो वो कितने टाइम से ले रहा है क्योंकि अगर वो ज्यादा टाइम के लिए हाइडोजराइड लेता है तो ये उसमें और भी प्रॉब्लम काज करते हैं like इसी तरह से अगर वो और मेडिकेशन यूज करता है जैसे एंटीकेंट वगैरह इसके अलावा अगर पेशेंट ने क्लिनिक में आने से पहले कोई एनर्जेसिक या कोई एंटी इनफ्लि ड्रग्स दिया है तो फिर हमें उसमें कुछ सिमटम्स नहीं मिलेंगे अगला और लास्ट क्वेश्चन पेशेंट पेशेंट हिस्ट्री ऑफ सर्जरी पास्ट प्रेजेंट मतलब के की कभी सर्जरी तो नहीं हुई पास्ट या प्रेजेंट कोई एलनेस तो नहीं है अगर सर्जरी की हिस्ट्री है तो सर्जरी कब की है बॉडी में किस जगह की की है और इससे कौन सी कंडीशन को ट्रीट किया गया है इसके अलावा ये भी पूछा जाता है पेशेंट कभी हॉस्पिटलाइज था अग्रता तो क्यों था हेल्थ की कंडीशन जैसे ब्लड प्रेशर हार्ट और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम इसके अलावा सिस्टमेटिक डिजीज लाइक डायबिटीज इन चीजों को भी नोट किया जाता है क्योंकि इन चीजों का हीलिंग प्रोसेस पर इफेक्ट होता है एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन और फंक्शनल एक्टिविटीज के बारे में भी पूछा जाता है यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं एक और डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है और हिस्ट्री लेते हुए हमेशा पेशन को सुनना चाहिए कि वो क्या बता रहा है उसके साथ क्या मसला है क्योंकि हिस्ट्री ही से हमें अंदाजा हो जाता है कि पेशेंट को क्या और इसे कन्फर्म करने के लिए हम एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं